ये नेपोलियन बोनापार्ते की टूम है, इनकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। यूरोप की ऐसी कंट्री में आया हूँ जहाँ यूरोज ही नहीं चलते हैं। गाइस मैं आ गया हूँ स्विट्ज़रलैंड और हम अब लेने जा रहे हैं स्विस फ्रैंक्स। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, स्विट्ज़रलैंड आने का हमेशा से मन था, बचपन से चाहता था स्विट्ज़रलैंड आऊँ, आज आ गया हूँ। चलो गाइस टिकट खरीद लेते हैं, तो वो ट्रेन ले लेंगे, 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। यार एक तो ये इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा है इस पर। एक्सटेंशन मेरे को चाहिए टिकट्स फ्रॉम जिनीव एयरपोर्ट टू जिनीवी चाहिए। अरे इमीडिएट चाहिए मेरे भाई, अरे जो डायरेक्ट इंडिविजुअल। फर्स्ट क्लास की कितने की भाई? ओ नहीं भाई क्या कर रहे हैं, सेकंड क्लास दे। फर्स्ट अडल्ट विथ हाफ, अरे फर्स्ट में भी $3.23 ले रहे हैं ये लोग। टिकट देखो कैसी दी है। चलो चलते हैं यहाँ से, बहुत ख़तरनाक जगह है यहाँ पे, बहुत रईस लोगों के खाते हैं। एक आध दो का डिटेल पता चल जाए तो अपन भी हो जाएंगे यहाँ पे रईस। अभी तो घूमने आए हैं, क्या पता किसी दिन भगवान ने चाहा तो अपना भी एक बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे। मैंने ले ली है बस, क्योंकि बाहर मिल गया था बस ड्राइवर। बस ड्राइवर ने बोला कि मेरी बस में ही चढ़ जाओ, ये सब चीज़ों के लिए काम आ जाती है। यार गलत स्टॉप पे उतर गया मैं, मेरे को पता था मेरा स्टॉप तो आ गया था। मैं खड़ा हुआ, मैंने बटन दबाया, साला गेट ही नहीं खुला और वो गाड़ी आगे निकल ली। मेरे को पता ही नहीं था खुल कैसे खुलेगा, कैसे हल्के से दबाया, मेरे को तो लगा अपने आप जैसे खुलते हैं न्यूयॉर्क वगैरह में वैसे खुल जाएगा, जैसे न्यूयॉर्क में खुल जाता है अपने आप वैसे खुल जाएगा। लेकिन यहाँ बटन दबाना पड़ता है, अलग झंझट है। बट कोई नहीं, थोड़ा ज़्यादा वॉक नहीं है, 5-1 मिनट का। ये देखो क्या नदी, और यार कलर इसका अलग ही कलर है, एकदम होली के पानी जैसा नहीं होता, वैसे लग रहा है वो अपने इंडिया में गंदे गटर का कलर, बट कलर वैसा है, साफ सुथरी है और खुशबू, मतलब ऐसी कोई बदबू नहीं है, भयंकर ही। लग गई अलग ही जगह है ये स्विट्ज़रलैंड भाई। मतलब मैं मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट में खुशबू आ रही है, बदबू नहीं आ रही है, बसों में खुशबू आ रही है, महक आ रही है, सेफ वगैरह पता नहीं वैसे तो सेफ वेफ का क्या ही है। क्या मस्त व्यू है, लेकिन वहाँ दूर से पहाड़ दिख रहे हैं। ज़िंदगी में अगर कोई ग्लोबल पासपोर्ट दे तो मैं हर एज के लिए एक अलग जगह पर रहूँ, थोड़ा टाइम इंडिया, पेरिस, न्यूयॉर्क, मुंबई, बैंगलोर, स्विट्ज़रलैंड, रिटायर होने के लिए स्विट्ज़रलैंड चला जाऊँ 2 साल, ऐसा बढ़िया ऐसा कोई पासपोर्ट मिल जाए। यहाँ तो हर कंट्री में एक एक बंदी हो, सबके पासपोर्ट हो अपने पास, बेहतरीन 50-100 सिटीजनशिप हो। देखो बढ़िया दूर से क्या मस्त पहाड़ दिख रहे हैं। फ्लाइट में मेरे को एक फ्रेंच आदमी मिला, तो मैंने उसको बताया, मैंने बोला यार ये वो जिनीवा में ही रहता है, तो मैंने पूछा कि कैसे जाना है यहाँ पे, बोले ये जो तेरा इलाका है पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने बोला ठीक है, फिर उससे पूछा इलाका, बोले यार ये इलाका इतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत लड़कियाँ और बार्स वगैरह और सब है, नॉइजी बोलता, अच्छा नहीं है। मैंने बोला अच्छा नहीं है भाई, ये तो अपने लिए बेस्ट है। Yeah.
चलो मजाक वजाक हो गया, एक्चुअली कल सुबह जल्दी उठ के जाना है 8 बजे एक मीटिंग पॉइंट पे, क्योंकि कल मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह जाने वाला हूँ, जिस जगह के लिए यहाँ आया हूँ वो जगह जाने वाला हूँ। स्विस चॉकलेट्स ले लेंगे अपन थोड़े, बहुत लोग मेरे पीछे पड़े हैं सुवीनियर के लिए, सबको एक एक स्विस चॉकलेट टिका दूंगा सस्ती खरीद के। आ गया हूँ लॉबी में, छठा फ्लोर है, चलते हैं छठा फ्लोर। सामान वामान रखेंगे, फटफट मुंह धोएंगे और फटफट निकलेंगे। गाइस देखो क्या क्यूट सा एयरबीएनबी, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, कांच छोटा सा बिस्तर है बस, बाकी एक डेस्क है किसी को काम वाम करना हो, और ये एक विंडो है, विंडो पूरी ऐसे खुल जाती है। अरे गजब यार, ओ भाई गाइस गजब मजा आ गया, क्या सही लग रहा है यार। चलते हैं अभी, तो उसकी मॉम और उसके डैड हैं एक लड़की के जो एयरबीएनबी में, वो अभी वही है, उसकी मॉम बहुत स्वीट है, फ्रेंच है वो, उनको ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, बट चेक इन हो गया मेरा स्मूथली। 10 बज रहे हैं अभी, चलते हैं, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है जगह। वो आंटी को बहुत अच्छी हैं वो, बट उनको इंग्लिश नहीं आती, तो मेरे को लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले तो मेरा एक तो चार्जर काम नहीं कर रहा, पावर बैंक क्यों नहीं चार्ज हो रहा पता नहीं, और उसके बाद में वो चाबी का बता रही थी मेरे को, चाबी ऐसे घूमती है उनकी क्लॉक वाइज, एक बहुत बड़ा डंडा है वो बंद होता है, इतनी सेफ्टी लगा के रखी उन्होंने, वो भी स्विट्ज़रलैंड में, गजब लोग हैं भाई। चलो अपन चलें यहाँ से, बाहर का व्यू देखो आप, ओ भाई सही है, इंडियन रेस्टोरेंट मिला है मेरे को। गाली वगैरह किसी को पाकिस्तानी में गाली, भाई तगड़ा महंगा है ये तो, मतलब चिलियन फ्रैंक तो यूरो से भी महंगे होते हैं, सलाद इनके पास 8 का है भाई, लैम चिकन, वेजिटेरियन कुछ नहीं है क्या भाई इनके पास में, ये रहा कोरमा और की दाल तड़का, भिंडी पालक पनीर, बॉम्बे आलू, पालक पनीर लिया, ठीक है ओके ओके। गाइस देखो डॉगी बैठा हुआ है, खाना तो अच्छा नहीं था, स्विट्ज़रलैंड में पालक पनीर की उम्मीद करोगे तो पालक की जगह साग मिलेगा, पनीर की जगह चीज़ मिलेगी, मतलब मैं भी खा भी कहाँ रहा हूँ इंडियन, स्विट्ज़रलैंड में जिनीवा में भाई, उसको पालक को आने में और पनीर को आने में ही इतना टाइम लग जाए कि ख़राब हो जाए वो, ठीक है मतलब खाना, एक भी दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन मुझे खाना अच्छा लगा हो, एक आध दिन एक आध कोई मील अच्छी लगी होगी, बाकी तो सब फ्रांस में भी, वो तो सैलेड में भी सुबह सुबह चोट हो गई यार, वो तो सैलेड तो बहुत ही ख़राब था यार भाई कसम से, ऐसे ही घूम रहा हूँ आज मैं सिटी आ रहा हूँ, कुछ नहीं है बहुत, सब कुछ तो बंद ही है, देखो आप बंद ही जगह है थोड़ा, ये जगह बनाई सिर्फ टैक्स वो हेवन के लिए, यहाँ पे 0% या कुछ ऐसा टैक्स होता है, तो बहुत सारी शेल कंपनीज यहाँ पे बन जाती हैं आके, बताऊँगा आपको एक किसी दिन बैठ के आराम से टॉपिक, इसमें काम भी किया है मैंने, मतलब शेल कंपनीज बनाने में नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग में काम किया है मैंने, तो यार मतलब बहुत ही, देखो ना यार अपार्टमेंट भी खाली है, ऐसा नहीं है कि अपार्टमेंट में भी लोग हैं, जैसे कोई अपार्टमेंट में लोग हैं किसी में नहीं है, बहुत ही शांत और बंद टाइप की जगह है, थाई मसाज ये वो, मतलब अलग ही है यार। गाइज हो गया डिनर वगैरह, घूम लिए, कल सुबह जल्दी निकलना है, फ़ोन चार्जिंग की भी उसको जुगाड़ ढूंढनी है, तो अभी घर चलते हैं घर, और 2 मिनट का ही वॉक है बस।